Hello, everyone, welcome back to my channel.

हर एक कैटेगरी वाइज में ये है कि हर फॉर्मूला जो है वो हमारे कुछ सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन में यूज होंगे वो हम थियोरेटिकली कवर करेंगे ही बट इसमें क्या है आपको सारे फार्मूलाज एक ही लिस्ट में मिल जाएंगे एक ही वीडियो में सो so दैट आपको उसको रिविजन करने के लिए आसान हो और आपको हर वीडियो में जाके फार्मूलाज बनाने ना पड़े तो मैंने इस वीडियो में सारे बना दिए हैं एंड इन केस आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए या कुछ तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मैं पीडीएफ का लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी सो दैट इट विल बी वेरी इजी कि आप उसको डाउनलोड कर सको ओके सो स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी मैंने आपको बताया था पहली कैटेगरी हमारी ये है कि जो कुछ जो हमारे इंटीग्रेशन में जो डायरेक्टली हम डिराइव कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंसिएशन बिकॉज आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या है इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन सो इंटीग्रेशन में कुछ जो फार्मूलाज हमारे डिफ्रेंसिएशन से डिराइव हो सकते हैं वो पहले मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए ताकि आपको ईजिल रिमेंबर करने के लिए और ईजी हो क्विक स्टार्ट के लिए ठीक है तो बेसिक स्टैंडर्ड हमारे कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूज जो होते हैं वो सारे हमारे डिफ्रेंसिएशन से डिराइव होते हैं एंड आपने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी करा ही हुआ है तो आपको डिफ्रेंसिएशन के सारे पता होंगे सो लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी फार्मूज वेरी क्विकली चलो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि हमें पता है कि अगर डिफ्रेंसिएशन हमें करना हो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का उसका डिफ्रेंसिएशन हमारा एक्स की पावर एन होती है तो इसका क्या मतलब है अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन कुछ नहीं है तो यही होगा हमारा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा अब हमें पता है कि हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्या होता है एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वन तो सिंपली इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा वन का वन का इंटीग्रेशन हमारा एक्स आएगा प्लस सम कांस्टेंट क्योंकि हमारे इंडिफिनेट इंटीग्रल है तो हमें कांस्टेंट ऐड करना ही होता है दैट इज अ प्री रिक्वेस्टेड अगर हमें आपको पता ही अगर हमें किसी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन निकालना हो किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है तो अगर हमें, का तो अगर हमें जीरो का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इट इज नथिंग बट हमें कॉन्स्टेंट मिलेगा एक ठीक है अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने डिफेंसिएशन में पढ़े थे हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइनक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस एक्स तो अगर हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सिमिलरली कॉस एक्स का डिफेंसिएशन हमारा माइनस साइन एक्स होता है तो अगर हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सम कॉन्सटेंट सी ठीक है वही टैन एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक्स स्क्वायर एक्स तो अगर इसका इन्वर्स देखेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा टैन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सिमिलरली अगर हमें कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है कोसक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कॉटेक्स होता है क्यों क्योंकि कॉटेक्स का हमारा डिफेंसिएशन माइनस स्क्वायर होता है तो अगर माइनस कॉटेक्स का आ, हमें डिफेंसियशन निकालना होगा डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका होगा कोसेक्स स्क्वायर एक्स तो कोसिक स्क्वायर एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉटेक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ठीक है नेक्स्ट है हमारा सेक एक्स सेक एक्स का आपको पता ही डेरेवेटिव सेनएक्स तो सिमिलरली का इंटीग्रेशन तो ये सारे फार्मूलाज आप डिफ्रेंसिएशन से डेरेवेटिव के जो हमने किए थे उससे डिराइव कर सकते हो इजीली तो कुछ हमने टिग्नोमेट्रिक के भी डेरीवेटिव इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लिख लिया है जो आपको याद होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है आपको पता ही कि अगर हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो रूट एक्स का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स यस क्या होता है वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स अब आप ये देखो अगर हमारा ये है तो सिमिलरली हमारा वन अपॉइंट अंडर रूट एक्स का क्या होगा अनपॉन अंडर रूट एक्स का हमारा इंटीग्रेशन होगा टू अंडर रूट एक्स प्लस सम कांस्टेंट वो आप इसके थ्रू निकाल रहे हो लेकिन जब आपको पता है आपने ऊपर ही सबसे पहला जो स्टैंडर्ड हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एक्स की पावर कुछ भी एन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन मतलब पावर का पावर को आप वन एड कर देते हो और वही हमारा उसी का नीचे डिवाइड हो जाता है कॉन्स्टेंट उसी एन प्लस वन मतलब उसी पावर का हमारा कॉन्स्टेंट डिवाइड हो जाता है ठीक है तो क्या अगर आप उसको यही फार्मूला लगाओ जो हमने x की पावर n वाला पढ़ा तो इसमें हमारी n की वैल्यू क्या आई n की वैल्यू है हमारी माइनस हाफ क्योंकि यहां पे x की वैल्यू हाफ है तो वो ऊपर भी जाएगा तो माइनस हमारा जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी तो x की पावर माइनस हाफ तो इंटीग्रेशन अगर आप उसके वो के फॉर्मूला से करोगे तो क्या होगा उसका होगा एक्स माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन तो क्या आएगा जब आप माइनस हाफ प्लस वन करोगे तो आपका आएगा माइनस हाफ तो x की वैल्यू आई माइनस हाफ अपॉन यहां पे क्या आई हाफ ठीक है यहाँ पे x की वैल्यू आई हाफ सॉरी माइनस हाफ प्लस वन हाफ x की वैल्यू क्या आई हाफ, हाफ। अपॉन हाफ तो हाफ अगर हमारा है तो ये क्या हो जाएगा टू और x की पावर हाफ का मतलब क्या है अंडर रूट एक्स तो टू अंडर रूट एक्स आपने उसके भी करा अगर आप वही वाला स्टैंडर्ड फॉमुला लगाओगे तो उससे भी सेम आएगा और अगर आप इसके थ्रू देख रहे हो तो भी आपका सेम इंटीग्रेशन आएगा तो वो बेसिक हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का होता है कि एक्स की पावर कुछ भी हो एन तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो पावर आपकी प्लस वन हो जाती है और सेम जो आपकी उसकी जो रिजल्टेंट पावर आती है उसको आप डिवाइड कर लेते हो ओके अब आपको पता है कि e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर x ओनली तो सिमिलरली अगर आप e की पावर x का इंटीग्रेशन निकालोगे तो वो भी आपका e की पावर x प्लस सम कॉन्स्टेंट सी आएगा ठीक है नेक्स्ट आपको पता है कि लॉग x का डिफ्रेंस डेरिवेटिव आप निकालते हो तो वो होता है वन अपॉन एक्स तो इसका मतलब क्या है जब आप वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस सम कॉन्स्टेंट सी सिमिलरली अगर आपको पता है कि अगर आप ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालते हो तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका ए की पावर एक्स इंटू लॉगे तो अगर आपको ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ए की पावर एक्स एज इट इज और जो यहाँ पे लॉग ए है वो डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा अपॉन लॉग ए प्लस कॉन्स्टेंट सी तो ये कुछ हमारे डेरीवेटिव के थ्रू फार्मूलाज निकाले थे अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं ओके नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रेशन फॉर्मुलाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने डेरिवेटिव्स पढ़े थे सिमिलरली उन्हीं डेरिवेटिव्स का यूज करके हम अपना इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं कैसे आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव होता है सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र तो इसका मतलब यह है कि जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्सक्वायर का तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का जो आपका डेरिवेटिव होता है और साइन इनवर्स एक्स का सेम होता है बस कॉस इनवर्स एक्स में होता है कि माइनस होता है तो इसका क्या मतलब है अगर आप वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो यहाँ तो वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी के इक्वल हो सकता है या आप वो हमारा न्यू एक मतलब वैल्यू हो सकती है हमारी हो सकती है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी क्योंकि चेंज डिफरेंस जो होता है वो माइनस में होता है सिमिलरली अगर यही माइनस का आप देखोगे तो आपको पता है कि वन अपॉइंट वन प्लस एक्स स्क्स का होता है टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो अगर आप इसका ही इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो वन अपॉइंट वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी या तो माइनस कॉटन वर्स एक्स प्लस सी क्योंकि माइनस हमारा होता है डेरेवेटिव ऑफ कॉटन इनवर्स एक्स का ठीक है सिमिलरली आपको पता है सेकेंड इनवर्स एक्स का होता है डेरेवेटिव वन अपॉइंट अपॉन अंडर रूट तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे वन अपॉन अंडर रूट एक्सक्वाइनस वन एक्स का डेरिवेटिव तो उसका होगा सेकेंड वर्स एक्स या माइनस को सेकेंडवर्स एक्स प्लस सी तो ये हमारे कुछ इंटीग्रेशन के जो होते हैं इनवर्स ट्रिगो के वही हमारे डेरिवेटिव के जो यूज होते हैं उसी से हमारे डेराइव होते हैं ठीक है नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कोफिशेंट ऑफ एक्स कोफिशन ऑफ एक्स क्या था हम लोगों ने पढ़ा है कि आपको पता है कि बेसिक अगर हमें कुछ भी डेरीवेटिव निकालते थे जैसे हम साइन ए एक्स एक फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना होता था तो हम क्या करते थे हम निकालते थे साइन का पहले निकालते थे चेन रूल अप्लाई करते थे क्या होता था साइन का होता है हमारा डेरीवेटिव कॉस तो कॉस ए एक्स लिखते थे और जो हमारा कोफिशन ऑफ एक्स जैसे कॉन्स्टेंट जो एक्स का हमारा एक्सर कोफिशन कॉन्स्टेंट लगा होता है जैसे ए है इस हमारे केस में तो क्या करते थे हम उसको सिंपली ए से हम मल्टीप्लाई करते थे लेकिन आपको पता है कि जैसे इनवर्स जो हमारा इंटीग्रल है जो आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स है हमारा इन्वर्स ऑफ डिफ्रेंसीेशन तो क्या होगा जब आप इनवर्स निकालोगे कि किसी भी फंक्शन का उसमें कोपिशन जो होगा एक्स का वो मल्टीप्लाई नहीं वो डिवाइड होता है तो जैसे कि सिमिलरली इस केस में क्या अगर आप कॉर्स ए एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो कॉर्स का इंटीग्रेशन होता है आपको पता है साइन तो साइन ए एक्स अपॉन ए जो हमारा एक्स के साथ कॉन्स्टेंट है अपॉन ए प्लस सी ठीक है सिमिलरली अगर आपको पता है टैन बी एक्स का टैन बी एक्स एक फंक्शन है उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होता था टैन का होता था थार तो सेक्सर बी एक्स लिखते थे इंटू क्या करते थे बी क्योंकि यहाँ पे हमारा कोफिशन के एक्स का बी तो इंटू बी से करते थे सिमिलरली अगर आपको सेक्स स्क्एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना सेक्स स्क्र का इंटीग्रेशन टैन होता है तो एज इट इज टैन बी एक्स लिख दो अपॉन क्या कॉन्स्टेंट क्या बी कोफिशन बी प्लस कॉन्स्टेंट सी के साथ ओके okay? उसके बाद हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म इंटीग्रेशन फार्मूलाज हैं जो आप अभी जब हम थ्योरटिकल पार्ट में चलेंगे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं उस उन केसेस में ये डिराइव करूंगी तो अभी के केस में आपको जस्ट उनको याद करना है कि कैसे निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं वो सब मैं डिराइव करके आपको थ्योरटिकल पार्ट में बता दूंगी उसकी पूरी डेरिवेशन हम करेंगे इन चारों स्टैंडर्ड फंक्शंस जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बने उनके हम डेरिवेशन करेंगे अभी के लिए यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट कि टैन एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है तो टैनिक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी या लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी ये तो आपको समझ आ रहा है कि हो रहा है क्योंकि कॉल सेक्स जो होता है वो वन अपॉन सेक एक्स होता है तो इसीलिए ये इक्वल हो गया ठीक है अब हमें पता है इसमें कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी ठीक है सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी और कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी तो ये कुछ चार हमारे हैं इसकी डेरिवेशन हम बाद में करेंगे और जो cosec एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो हमारा लॉग tan एक्स बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट सी के भी इक्वल होता है ओके नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं अरे स्पेशल फार्मूला गिवन है हमे। कुछ हमें कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेल फार्मूलाज हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं कुछ फंक्शंस के जो हम लोगों को डिराइव नहीं करने होते हैं अगर कुछ इन वे में हमें फंक्शन गिवन है और उनका इंटीग्रेशन निकालना है तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना हमें इन जो फार्मूलाज गिवन है सेम फार्मूलाज का यूज करके डायरेक्टली उसका इंटीग्रेट करना होता है इसकी कोई डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है हमें इनकी डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी कि कैसे डिराइव हो रहा है ये सब कुछ नहीं करना बस आपको इस फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है बिकॉज अगर आपको क्विकली कुछ इन वेज में आपको फंक्शन गिवन हो तो आप उनका क्विकली इस फार्मूलाज का यूज करके उनका इंटीग्रेशन निकाल सको ठीक है तो फर्स्ट हमें गेवन है आप ये आपके पहले तीन जो हमें गेवन है ये वन अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है आपको जिसका फर्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला uh, गेवन है इस केस में दूसरे में आपका ए स्क्वायर माइनस एक जस्ट रेसिप्रोकल है इसका ठीक है थर्ड में क्या है आपका कि आपके दोनों टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर की साइड भी ए स्क्वायर भी दोनों पॉजिटिव है एंड जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम है बस उनका क्या है अंडर रूट है उनके थ्रू आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा कि कैसे आप ग्रुप करके उसको याद कर सकते हो तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कुछ नहीं है dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वन अपॉन टू ए लॉग जो आपको गिवन है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या है लॉग सेम x माइनस ए अपॉन उसका x प्लस ए इसके थ्रू याद कर सकते हो देन सेकेंड आपको कुछ नहीं बस इसका रेसिप्रोकल हो गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स तो वन बाय टू ए सेम लिखना है लॉग इसमें क्या है इसमें आपका a माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है न्यूमिनेटर में चेंज है साइन में a प्लस एक्स ऊपर है तो ऐसे याद कर लो कि a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इसमें x माइनस ए में क्या था एक्सक्वायर माइनस ए स्क्वायर में x माइनस ए आएगा स्क्वायर टर्म्स नहीं होगी तो x माइनस ए सेम अपॉन एक्स प्लस ए और ए माइनस एक्स में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या है ए माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आएगा और ए प्लस एक्स साइन चेंज ऊपर न्यूमिनेटर में आएंगे ठीक है थर्ड वाला है हमारा कि तीन दोनों टर्म्स जो है आपकी पॉजिटिव है कोई नेगेटिव नहीं है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्र क्या है आपको याद होगा कि टेन इनवर्स एक्स का हमने पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स का जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर उसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं होती तो उसके थ्रू याद कर सकते हो कि जब आपको दोनों साइड पॉजिटिव गिवन है कोई नेगेटिव नहीं है तो आपका जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो टेन इनवर्स के टर्म्स में आएगा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी ये कुछ ना कुछ आपको सिंबलाइज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स का जो इंटीग्रेशन करते हैं हम उसके थ्रू कि एक्स वन की जगह बस ए है तो अगर वन की जगह ए है तो पहले आपका कॉन्स्टेंट में ए से डिवाइड हो रहा है वन बाय ए और टेन इनवर्स एक्स के साथ आपका अपॉन a भी हो रहा है ठीक है तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हो देन हमारे नेक्स्ट है कुछ अंडर रूट की टर्म्स में तीन है हमारे स्टैंड फंक्शन सेम वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है उसका इंटीग्रेशन यही है कि आपको पहले लॉग लिखना है एक्स प्लस जो आपका फंक्शन है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो आपका एड हो जाएगा एक्स के साथ लॉग के अंदर और प्लस कॉन्स्टेंट इसके साथ ठीक है नेक्स्ट है आपका वन अपॉन सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका सेकंड था उसी का अंडर रूट हो रहा है तो आप ये याद कर सकते हो इसके थ्रू कि आपने जब वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका हमारा डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का तो अगर आप वन अपॉन, अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपका साइन इनवर्स एक्स आता है तो इस बार क्या है इसमें आपका ए वन की जगह ए है तो उसके थ्रू याद करो कि इसमें साइन इनवर्स एक्स तो आएगा ही अपॉन ए हो जाएगा क्योंकि ए वन की जगह ए है प्लस सी ठीक है अब अपॉन अंडर रूट ये आप फोर्थ के साथ कंपेयर कर सकते हो कि कुछ नहीं है सेम ही होगा आपका फॉर्मूला बस यहाँ पे जो फंक्शन अंडरवुड एक्स स्क् माइनस ए स्क्वायर था यहाँ पे एक्स स्क्स ए स्क्वायर है और कुछ भी चेंज नहीं है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एक और ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन वाले हम पढ़ रहे हैं ये हमारे एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर में यूज होते हैं तो इसकी हम और प्रॉपर्टीज जब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और इजिली क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है और कब कब कौन से केस के केसेस में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एक और हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी गिवन होती है जब हम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर या कुछ और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे कि अगर हमें कभी भी इंटीग्रल इस फॉर्म में गिवन होता है कि पीएक्स प्लस क्यू अपॉ नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि जो हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे गिवन है इंटीग्रेशन या ऐसा हो सकता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है डिनोमिनेटर में लेकिन वो अंडर रूट में है तो उस केसेस में क्या करना है उन केसेस में हमें जो न्यूमिनेटर पी एक्स प्लस क्यू होता है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इसके थ्रू कैसे ए एक कांस्टेंट लेंगे ए को हमें मल्टीप्लाई करना है हमें क्या करना है जो डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गेवन होगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गेवन होगी उसका डेरिवेटिव लेके उसको हमें ए के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस एक कॉन्स्टेंट लेना है हमें बी ये हम करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उसका इजीली इंटीग्रल निकाल सकते हैं वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेवन पॉइंट फोर में तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ओके okay. उसके बाद हमें तीन और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं ठीक है थीके? जो हम लोगों अगर हमें इन्हीं फॉर्म में कुछ फंक्शन गिवन होते हैं तो हमें डायरेक्टली इन्हीं का यूज करना है सिमिलरली इसमें भी हमें डेरीवेशन जो हमारे कोर्स में नहीं है तो डेरीवेशन नहीं करनी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए ये भी आपने जब ऊपर पढ़ा था सेम वैसे ही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही हमारे फंक्शंस यूज हो रहे हैं ऊपर वाले में केस में क्या था पहले हमने वन अपॉन करा था उसके बाद वन हमने वन अपॉन अंडर रूट करा था अब इस बार अंडर रूट जो है फंक्शन वो हमारा न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में नहीं है तो कुछ नहीं करना मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ याद करने का क्या करना है अब देखो एक्स अपॉन टू अंडर रूट जो आपको फंक्शन गिवन होगा जैसे अभी इसमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एसेट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी में भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में यहां पे भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें भी सेम वोट पुट कर दो ठीक है कुछ नहीं करना पहले ये टर्म हमारी आ गई ठीक है कुछ नहीं एक्सपॉइंट टू लेना है इन टू जो हमें गिवन है वो सीधा मल्टीप्लाई में पुट कर देना है ठीक है उसके बाद ये देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे हमें गिवन है माइनस प्लस प्लस ये कब यूज होगा ए का देखो ए यहाँ पे हमारा क्या है ए हमारा नेगेटिव में तो डायरेक्टली पुट करो माइनस ए स्क्वायर अपॉइट टू ए स्क्वायर अपॉइंट टू हमारा हर जगह यूज होगा यहाँ पे ए हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस ए स्क्र अपॉइंट टू पुट करो यहाँ पे भी a हमारा प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉइंट टू पुट करो ठीक है ये तीन हो गए अब ये कैसे निकले ये आप याद करो अभी हमने ऊपर पढ़ा जो हमने वन अपॉन अंडर रूट का पढ़ा जैसे वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सेम पुट कर दो जो हमारी वन अपॉइन की आइडेंटिटी है ना इंटीग्रेशन की फॉर्मूला में यूज हो रही है वही सेम यहाँ पे पुट कर दो वन अपॉइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्सक्स मैंने आपको बताया था अभी साइन इनवर्स वर्स एक्स बाय प्लस ए स्क्र बाय टू के बाद साइन इनवर्स वर्स एक्स बाय डायरेक्टली पुट कर दो सिमिलरली इसमें भी वन अपॉन में पढ़ा था तो यही सेम हमारा ए स्क्वयर बाय टू के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये याद रख लो इसके थ्रू आपको इजिली पता हो जाएगा कि आपको रिवाइज करने के टाइम पे भी जब आप दो तीन बार इसको रिवाइज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इसको देखोगे ना कैसे हो रहा है तो बहुत इजिली क्लियर हो जाएगा ठीक है तो हर फंक्शन जो है वो हमारा कोरिलेटेड है टू ईच अदर ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पार्शल फ्रैक्शन सेवन पॉइंट फाइव जो है हमारी उसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्शल फ्रैक्शन का यूज करके कि हमें कुछ फंक्शंस कुछ poly, मतलब एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक हो सकता है क्वाड्रेटिक नहीं पॉलिनोमियल हो सकता है ऐसे या कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं वो हमें गिवन होगा एक एक्सप्रेशन एक गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है युद्ध द यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जब पेपर में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे पार्शियल फ्रैक्शन करें तो कभी कभी ये हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये इजी लगता है यूज करना कुछ को नहीं लगता लेकिन कभी कभी ये होता है कि पेपर में गिवन होता है कि यू नीड टू यूज द पार्शल फ्रैक्शन कंसेप्ट ओनली तब उन केसेज में आपको इन्हीं फार्मूलाज का यूज करके उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा तो इसमें कुछ नहीं है बस हमें पांच स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं पार्शियल फ्रैक्शन के वो देखते हैं क्या ऐसा है हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें एक पोलिनल गिवन है एक लीनियर फॉर्म में गिवन है हमें पी एक्स प्लस क्यू एक एक्सप्रेशन एक 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 गिवन होता है न्यूमिरेटर में अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की टर्म्स में हमें ऐसे एक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ऐसे गिवन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हमें कुछ कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि वो इक्वल होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी डिनोमिनेटर को हमने स्प्रेड कर दिया और ए और बी क्या हमारे कांस्टेंट है ठीक है नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि हमें एक एक्सप्रेशन के बन पी एक्स प्लस क्यू न्योमिनेटर में अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर स्क्वायर के टर्म्स में हमें गिवन है डिनोमिनेटर में तो हमें क्या करना है ये हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ठीक है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थर्ड हमें यह है कि हमें ऐसा हो सकता है कि में क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है एक क्वेश्चन और यहां पे हमें वो तीन टर्म्स में हमारे फैक्टराइज हो रहे हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी तो कुछ नहीं करना तीन कॉन्स्टेंट होंगे ए बाई सी ए बी और सी ही लिखेंगे और उसको हम जो हमारे डिनोमिनेटर्स में एक्स माइनस ए इनको हम स्प्लिट कर देंगे ठीक है ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है फोर्थ हो सकता है हमारा कि हमें वही न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है डिनोमिनेटर में हमें कॉर्डिंग अपॉन होल स्क्वायर फॉर्म में स्क्न एक्स माइनस बी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो इसमें कुछ नहीं करना जैसे हमने सेकेंड में किया पहले हम ए अपॉन एक्स माइनस ए रिप्रेजेंट करेंगे प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया अब इसकी फॉर्म एक्स माइनस बी तो हम एक और कॉन्स्टेंट लेंगे सी अपॉन एक्स माइनस बी ठीक है ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लास्ट है हमारा कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है न्यूमिनेटर में पीएक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और डिनोमिनेटर में क्या है हमें एक इक्वेशन जो है एक्स के फॉर्म में गिवन है कि एक्स की वैल्यू यहाँ तो ए हो सकती है मतलब एक्स माइनस ए एक हमें फैक्टर फैक्टर गिवन है और एक हमें फैक्टर गिवन है जो हमारा एक अलग दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी उसके फॉर्म वो भी हमारे डिनोमिनेटर में तो उसके इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट ए लेना है जो हमारा डिवाइड होगा बाय जो एक फैक्टर गिवन है अब इसके साथ मल्टीपल दूसरा होगा तो दूसरा जब हम इसके साथ करेंगे प्लस एक जो डिनोमिनेटर में लेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हम एक सिंगल कॉन्स्टेंट नहीं ले सकते हमें दो कॉन्स्टेंट लेने पड़ेंगे और पहला कॉन्स्टेंट जो होगा हमारे एक में एक लीनियर फॉर्म में लेना पड़ेगा मतलब प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दो कॉन्स्टेंट लेंगे और उसके बाद हम उसको क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे तो ये पांच हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के जर्नल यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए ठीक है लास्ट कैटेगरी हमारी इनडेफिनेट इंटीग्रल में फार्मूला होता है हमारा कांसेप्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को का इंटीग्रेशन निकालना होता है जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं एक होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन u और दूसरा होता है हमारा सेकंड फंक्शन v अगर हमें दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना है u इंटू वी का तो हमारा ये फॉर्मूला का यूज करके हम करते हैं क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है पहले हम उसको एज इट इज लिखते हैं यू सेकेंड फंक्शन का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं उसका वीडीएक्स फिर एक माइनस लेंगे माइनस में क्या करते हैं हम पहले होल इंटीग्रेशन करेंगे किसका पहले हमें यू जो हमारा फर्स्ट फंक्शन को जिसको एज इट इज लिया था पहले उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये जब हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा इस रिजल्टेंट का हम होल इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा समझने के लिए फॉर्मूला हमारा ये है ये हमारा कब यूज होता है इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं आईलेट प्रॉपर्टी आईलेट प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस आईलेट प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन से फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है दैट इज यू और कौन से फंक्शन को हमें सेकेंड फंक्शन कंसिडर करना है दैट इज वी तो आईलेट जो होता है वो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है आई आई जो होता है इसमें वो हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शंस किसको इनवर्स फंक्शंस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि हो गए हमारे साइन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स तो ये सारे हमारे इनवर्स इनमेट फंक्शन हो गए ठीक है दूसरा होता है एल एल जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है लोगैरथमिक लोगरथमिक क्या होता है लोगैरथमिक होते हैं हमारे log जैसे लॉग वाले फंक्शन जैसे कि लॉक एक्स हो गया लॉक कॉस एक्स हो गया लॉक बी एक्स हो गया तो ये जो कुछ हमारे जो लॉक के टर्म्स होते हैं वो हमारे एल लॉगार्थमिक को रिप्रेजेंट करेंगे देन आते हैं हमारे एल जे ए जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एल को ठीक है अल्जैब्रा में वही हमारे एक्स के टर्म्स में जो आ गए वो सब हमारे फाइव एक्स टेन एक्स ये सब हमारे अल्जैब्रा में रिप्रेजेंट करेंगे देन टी आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री टी जो होता है हो वो हमारे रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक को तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शंस लोगैथमिक फर्सनोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है एंड जो लास्ट ई e जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनशियल फंक्शन को एक्सपोनशियल फंक्शन लाइक एक्स टू दावर टैन एक्स तो ये सब जो एक्सपोनशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें क्या होता है जैसे कि हमें बाई चांस गिवन है बाई चांस वी हैव बीन गिवन कि हमें इंटीग्रेशन करना है टैन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स का तो हमें चल है हमें दो फंक्शन है तो वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अब इसमें हम लोगों के पास ये होता है कि टैन एक्स और ई एक्स इसमें हमें ये कंफ्यूजन आ जाती है कि हमें किसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करें किसको सेकंड फंक्शन कंसिडर करे तो इस केस में हम आईलेट का यूज करते हैं कि आईलेट में जो हमारा अगर बाय फंक्शन इनवर्स इनवर्स गिवन है तो उसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और वो हमारा फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे ठीक है तो टैन एक्स जो है वो हमारा ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन होते हैं तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज टी एंड ई e की पावर एक्स दैट इज एक्सपोनशियल फंक्शन ई तो आईलेट में टी पहले आता है ई e से पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो उनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो वट विल्स वर्ड एज ए फंक्शन ऑफ यू जिसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे एंड ई ए टू पावर एक्स विल भी कंसिडर्ड एज वी जो हमारा सेकंड फंक्शन होगा तो so, इसके थ्रो फिर हम क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे हम इंटीग्रेट पहले टेन एक्स को एज इट इज रखेंगे फिर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे ई e की पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन फिर उसका रिजल्ट का होल का इंटीग्रेशन तो इस फॉर्मूला का यूज होगा बट उसके पहले क्या करना होता है हमें सबसे पहले कंसिडर करना है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन निकालना एंड दैट विल फॉर उसके लिए हम यूज करते हैं आइल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईलेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सो दीज द फॉर्मूलाज फॉर द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप इट इज क्लियर इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस टूडे प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो Thank you.